उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक ये चलेगी और आज शाम को ही नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अलवा मैदान में है, यानी कि इनके बीच टक्कर है। खास बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव में गैर हाजिर रहने का फैसला लिया है। जी हां, यह बड़ी बात है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी। लेकिन दो तस्वीरें देखिए अभी, जगदीप धनखड़ वर्सेस मार्गरेट अलवा, यानी कि एनडीए वर्सेस यूपीए, और सीधी टक्कर है। लेकिन किस तरह से स्थिति और परिस्थिति बन रही है, पूरी एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा करने जा रहे हैं। नजर डालें आप। आज देश को मिल जाएगा नया उपराष्ट्रपति। आज ही तय हो जाएगा कि देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर कौन बैठेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव है। एनडीए यानी कि बीजेपी की तरफ से जगदीप धनखड़ और यूपीए यानी कि कांग्रेस या फिर यूं कह लीजिए कि विपक्ष की ओर से मार्गरेट अलवा चुनाव मैदान में है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, वोट कौन डालता है, कार्यकाल कितने दिनों का होता है, मार्गरेट अलवा और जगदीप धनखड़ की टक्कर कितनी कड़क है, सब कुछ विस्तार से समझिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष वोटिंग से होता है। लोकसभा के चुने हुए सांसद और राज्यसभा के सभी सांसद इसमें वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति चुनाव करवाते हैं। बात दोनों उम्मीदवारों की करें तो जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं। धनखड़ 33 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 1989 में पहली बार झुंझुनू से लोकसभा सांसद चुने गए। चंद्रशेखर सरकार में केंद्र में मंत्री रहे। 1993 में राजस्थान के किशनगढ़ से विधानसभा चुनाव जीता। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। उपराष्ट्रपति उम्मीदवारी से पहले जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे। ममता बनर्जी से अनबन की वजह से वो चर्चा में रहते थे। बात कांग्रेसी उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की करें तो वो कर्नाटक से आती हैं। उनके पास 48 साल का राजनीतिक अनुभव है। 1974 में पहली बार अलवा राज्यसभा पहुंचे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रही। 1999 से 2004 तक लोकसभा सांसद रही। उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और गोवा की राज्यपाल रही। अब बात दोनों उम्मीदवारों के बीच टक्कर की करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 780 वोटर हैं, 543 लोकसभा और 237 राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर एनडीए के पास 530 वोट हैं, यूपीए के पास सिर्फ 206 वोट हैं। टीएमसी के 36 सांसद वोटिंग में शामिल नहीं। कांग्रेस ने जब मार्गरेट अलवा के नाम की घोषणा की थी तो तभी ममता बनर्जी नाराज थी और अब उनके 36 सांसद वोटिंग से अलग हो गए हैं और 23 लोकसभा से और 13 राज्यसभा से। विपक्ष पहले ही बिखरा हुआ है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव को ही ट्रेंड मान लें तो अगर क्रॉस वोटिंग भी हुई तो वो धनखड़ के पक्ष में जाएगी, ना कि मार्गरेट अलवा की। आज तक ये हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग हिमांशु। आज देश के लिए काफी अहम दिन, काफी महत्वपूर्ण दिन। देश को आज नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी, किस तरह की आप गतिविधियां देख पा रहे हैं, क्योंकि 10 बजे अब से थोड़ी देर के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल 10 बजे जो है आशुतोष मतदान शुरू हो जाएगा और आज ही जो है नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से बिल्कुल अलग होता है आशुतोष, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो है वो इसमें वोट करते हैं। एक खासियत और है उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर, इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सांसद होते हैं वो भी वोट करते हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास मैजिक नंबर से 3 नंबर ज्यादा है इस पूरे उसमें जो है वो 380 सांसदों को वोट कर 780 सांसदों को वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी के पास मैजिक नंबर से 3 वोट अधिक है, यानी कि 391 का मैजिक वोट बनता है और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 394 उनके पास वोट है। तो एक तरीके से अगर एनडीए के भी घटक दल उनको साथ नहीं दे तब भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जो है वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव की तरह इसमें भी समीकरण बैठाए हैं और ना सिर्फ एनडीए के घटक दल बल्कि वाईएसआर बीजेडी जैसे शिवसेना के जो शिंदे ग्रुप के सांसद हैं वो ऐसे मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 528 वोट जो है
और ऐसे में मार्केट अल्लाह के सामने सिर्फ हार है और ये बात कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से। एक इम्पोर्टेंट सवाल और कि क्रॉस वोटिंग की संभावना यहाँ भी होगी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी गैर हाजिर रहने वाली है, उनकी पार्टी गैर हाजिर रहने वाली है, इसके क्या संकेत? देखिए एक चीज बहुत अहम है कि ममता बनर्जी इसमें जो है तटस्थ रहेंगी, यानी कि वो वोट नहीं करने आएंगे, एब्सटेंट करेंगे। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी नाराज थी मार्गरेट अलवा को जिस तरीके से उम्मीदवार बनाया गया आशुतोष, लेकिन उससे भी पहले आप देखिए कि जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया था तब ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा से आगे की अपनी नाराजगी को जताते हुए कहा द्रौपदी मुर्मू का अगर नाम भारतीय जनता पार्टी घोषित करने वाली थी उनको पहले बता देते तो वो भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थक। यानी कि ये सीधा सीधा नुकसान तो फिर यूपीए को होगा ना, अगर ममता बनर्जी की पार्टी अगर शामिल होती, क्योंकि 36 सांसद उनके पास हैं 23 लोकसभा से और 13 राज्यसभा से, यानी कि ये वोट तो फिर चले गए, बेकार हो जाएंगे। देखिए नुकसान और फायदे का कोई बात ही नहीं है, अगर ये वोट मिल भी जाते तो भी मार्केट अलग चुनाव नहीं जीतती, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी घोषित होने से पहले ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ और हेमंत विश्व शर्मा की मीटिंग हुई थी दार्जिलिंग में। ये बहुत अहम मीटिंग मानी जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं जो है हेमंत विश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री है उनके जरिए ये मैसेज पहुंचाया कि जगदीप धनखड़ को अगर उम्मीदवार बनाया जाएगा तो टीएमसी भले ही उनका समर्थन ना करे लेकिन तटस्थ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को सूत्रों के हवाले से तो यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि उम्मीदवार कोई भी हो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जिताएगी, इसीलिए टीएमसी का अगर तटस्थ है और एब्सटेंट कर रही है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को बांटने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब जरूर है। पिछली बार हिमांशु हमने देखा था राष्ट्रपति चुनाव में कि क्रॉस वोटिंग भी हुए थे और कांग्रेस की तरफ से भी बहुत जो उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यानी कि एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे दिया था, क्या इस बार भी ऐसी तरह के कुछ समीकरण हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल समीकरण हो सकते हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो यूपीए के सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं जो है वो जगदीप धनखड़ जो एनडीए के उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं। पिछली बार डीएमके के 3 सांसदों ने जो है वो द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था और सबसे बड़ी बात यह है आशुतोष कि जो सांसद आम जनता के वोटों पर जीत के आते हैं यानी कि जो 20 लाख 18 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनमें से 15 सांसदों के जो वोट है वो पिछली बार निरस्त कर दिए गए थे, रद्द कर दिए गए थे कि वो वोट ठीक से नहीं डाल पाए थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कल भी एक जो है ये कहे कि पूरी तरीके से क्लास दी अपने सांसदों को कि देखिए वोट ऐसे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि इस बार कहीं सांसद जो है तो फिर से उसी तरीके की दुविधा में नजर आए उनके वोट चाहिए। आप नजर बनाकर रखें, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए।